वन पीस के लास्ट एपिसोड में हमें रिवील हो गया था कि क्लाडोर जो कि काया के घर में एक बटलर बन के रह रहा है, असल के अंदर वो ब्लैक कैट पायरेट का कैप्टन है जिसका नाम कूरो है। इसी के साथ में जोरो और लूफी दोनों के दोनों फंसे हुए हैं और उसोप की बात मानने को कोई तैयार ही नहीं है कि काया के घर पे पायरेट्स ने अटैक कर दिया है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में जोरो दिखाया जाता है जो कि कुएं के अंदर गिरा हुआ था, उसके सर पे चोट लगी थी और उसे इवन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ पर है और लड़ते लड़ते पे कैसे पहुंचा। उसके पास में मैरी की बॉडी भी पड़ी थी, यानी उसे पिछला कुछ याद तो आने लगा था लेकिन वो इतने गहरे कुएं में था जहां से निकलना शायद थोड़ा नामुमकिन था। जिसके बाद सीन उसोप के ऊपर शिफ्ट होता है और यहां पे हेलेम्पो को लगता है कि उसोप सब कुछ झूठ बोल रहा है या फिर अगर वो बोल भी रहा है तो लूफी की टोली के बारे में बोल रहा है, लेकिन उसोप कहता है कि मैं लूफी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लूफी तो बल्कि बहुत अच्छा लड़का है जो कि हम सबको बचा लेगा, लेकिन मैं यहां पे बात कूरो की कर रहा हूं जो कि काया का बटलर है, मुझे हमेशा से उसके ऊपर डाउट था, उसकी बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। लेकिन ये सारी की सारी बातें को भी मानने लगता है और कहता है कि ठीक है हम तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर चलेंगे और वहाँ पे जाके चेक करेंगे कि आखिर है क्या, और अगर वहाँ पे हमें लूफी मिलता है तो हम उसे वहाँ पे अरेस्ट करने के लिए भी आए हैं। जिसके बाद हमें नामी दिखाई जाती है जो कि अब सबको ढूंढने लगती है और सीधा किचन के अंदर पहुंचती है तो वहाँ उसे लूफी बेहोश मिलता है क्योंकि उसने बहुत सारा सूप पी लिया था और वो वहीं पे बेहोश गिरा था। नामी को किसी के आने की आवाज आती है तो वो फट से एक अलमारी के अंदर बैठ जाती है जहाँ पे कोई भी आवाज नहीं करती। इतने ही देर में यहाँ पे क्लाडोर इसी के साथ में शैम और पूछी भी पहुंच जाते हैं जो कि यहाँ पे पहले तो लूफी की हालत के बारे में कहते हैं कि आखिर ये काया के लिए सूप बनाया गया था तो इसने कैसे पी लिया और ऊपर से इसके अंदर इतना सारा पॉइजन है जो कि एक बड़े से बड़े हाथी या फिर बड़े से बड़े वेल को मार सकता है, तो फिर आखिर ये लूफी क्या चीज है, ये तो ऑफ कोर्स मर ही गया होगा। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि उसोप यहाँ से भाग गया है, अगर उसोप ने किसी को बता दिया होगा तो ये सब खतरे में आ सकते हैं। तो क्लाडोर कहता है कि आखिर उसोप की बातों पे विश्वास कौन करेगा, तुम लोग इसकी टेंशन मत लो, बस जल्द ही 12 बजने वाली है और हम लोगों का काम हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें नामी ने अंदर से बैठ के सुन ली थी कि आखिर क्लाडोर एक धोखेबाज झूठा पायरेट है, और तभी इस मेंशन के दरवाजे की घंटी बजती है। क्लाडोर को लगता है कि अब यहाँ पे जो भी आएगा या तो वो मारा जाएगा या फिर उसे जल्द से जल्द यहाँ से भेजना पड़ेगा। क्लाड और शैम और बुची को यहीं पे रुकने के लिए कहते हैं और खुद घर से बाहर जाता है। बाहर आने के बाद उसे को भी दिखाई देता है और इसी के साथ में नेवी के और मेंबर्स भी दिखाई देते हैं। आते ही उसोप चिल्लाने लगता है कि ये एक नंबर का झूठा आदमी है, इसने हम सबको मारने की कोशिश करी है, इसने मैरी को मार दिया, इसके हाथों को चेक करो, इसके हाथों के अंदर ब्लेड लगे हुए हैं। तो क्लाड और कहता है कि ये पागल लड़का है, इसे सब लोगों ने गांव के अंदर पागल घोषित कर दिया है, आप इसकी बातों पे विश्वास मत करिएगा। लेकिन नेवी के मेंबर्स आज मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? तब कोबी कहता है मुझे बस चेक करना है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ऊपर से लूफी कहाँ पर है, हम लोगों को पता चला है कि लूफी इसी घर के अंदर है। तब पहले क्लाडोर अपने हाथ चेक करवाता है जिसके अंदर से कोई भी ब्लेड नहीं निकलती, तो हेलेम्पो को लगता है कि यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा, लेकिन तब भी कोबी यहीं पे रुक जाता है और क्लाडोर को कहता है कि आप अंदर से लूफी को लेके आइए। तब उसोप कहता है कि हाँ हाँ जाके लूफी को लेकर आओ, लूफी को तो तुमने मार दिया है ना, अब लेकर आओ लूफी को। क्लाडोर इसी समय दरवाजे को बंद कर देता है, अंदर किसी को आने नहीं देता और अंदर आते ही शैम और बुजी को कहता है कि जल्दी से इसे तैयार करो, भले ये मर गया हो लेकिन इसका किस्सा अपने आप ही साफ हो गया है, नेवी वाले आए हैं इसे ढूंढते हुए और वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। लूफी का मुंह साफ किया जाता है और उसे उठा के बाहर लेकर आते हैं। कोबी लूफी की ऐसी बुरी हालत देखकर उसे समझ में नहीं आता कि आखिर लूफी के साथ हुआ क्या है, तो क्लाडोर बताता है कि आज यहाँ पे पार्टी थी और सबने यहाँ पे जम के पी है और इसे तो फ्री के अंदर मिली थी, तो इसे तो फ्री के अंदर खाने का शौक था, अब बाकी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। नेवी के पास में लूफी आ गया था और क्लाडोर ने दरवाजा बंद कर दिया था। कंटिन्यूसली उस कोबी को समझाने की कोशिश करता है कि क्लाडोर झूठ बोल रहा है, हम सब लोग मुसीबत के अंदर है, असल के अंदर पायरेट्स यही है, हमें हमारी जान बचानी होगी। लेकिन कोबी के पास में कोई भी सबूत नहीं था, ऊपर से उसे लूफी भी मिल गया था तो वो यहाँ से जाने लगता है। ये सारी चीजें नामी अंदर से बैठ के सुन ही रही थी और तभी उसे बाहर शैम दिखाई देती है जो कि अकेली ही थी। नामी अपने हाथ के अंदर एक फ्राइंग पैन लेती है और बाहर आते ही सीधा शैम के सर पे जोरदार वार करती है जिससे कि शैम बेहोश हो जाती है और इसी के साथ में बहुत तेज आवाज भी आती है। तभी एकदम से कोबी रुक जाता है और क्लाडोर से पूछता है कि ये आवाज कैसी थी, तो क्लाडोर कहता है कि पुराना घर है, कोई ना कोई चीज गिरती पड़ती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे घर में कुछ है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। क्लाडोर इन सबको भेज देता है और दरवाजे को बंद कर देता है। तब जाके कहीं ना कहीं कोबी को शक होने लगता है कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई तो गड़बड़ है। इसी के साथ सीन जोरो के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि इस समय होश में आ चुका था और इसी के साथ यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचता है। जिसके बाद सीन गाइस 7 साल पहले का शिफ्ट हो जाता है, यानी कि हमें जोरो का पास्ट दिखाया जाता है। इस समय जोरो तलवारबाजी सीख रहा था, उसके सामने एक और योद्धा था जो कि कंटिन्यूसली उसे फाइट करता जा रहा था लेकिन जोरो बार बार में हार रहा था। जोरो जब अपने चेहरे से नकाब उठाता है तो उसके सामने जो उसका कॉम्पिटिटर था वो एक लड़की थी। जोरो तलवारबाजी करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो हमेशा इस लड़की से हार जाया करता था, इसी के कारण वो उस मैच को छोड़ के चला जाता है। इस लड़की का नाम कुइना था। कुइना उसे समझाने की कोशिश करती है कि कोई बात नहीं अगर तुम हार भी गए तो। एक वक्त ऐसा आता है जब जोरो कहता है कि मुझे तलवारबाजी करनी ही नहीं है, मैं अगर तुमसे बार बार में हार रहा हूं इसका मतलब है कि मुझसे कोई ना कोई गलती हो रही है, मुझे नहीं करनी तलवारबाजी। जिसके बाद सीन काया के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। काया के पास में भागता हुआ जोरो आता है, वो असल के अंदर खिड़की से घुस के आया था और काया को समझाने लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्लाडोर वो नहीं है जो कि दिखाने की कोशिश करता है, बल्कि वो तो एक पायरेट है,
उसने मैरी को भी मार दिया है, यानी कि तुम्हारे फाइनेंशियल ऑफिसर को। इसी के साथ उसने मेरी आंखों के सामने जोरो को मारा है। वो यहाँ पे बहुत कुछ गलत करने वाला है, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन काया को तो 1% विश्वास नहीं था कि क्लाउड और उसके साथ कोई गड़बड़ कर सकता है। वो इवन उसोप को डांट देती है कि तुम हमेशा से झूठ बोलते आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी हर बात पे विश्वास करती हूँ। लेकिन आज तुमने क्लाउड और के बारे में कहा और मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर मेरे साथ कुछ बुरा भी होगा तो मैं उसे सह लूंगी, तुम यहाँ से जा सकते हो। उसोप को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो काया को यहाँ से बाहर कैसे लेके जाए और अपनी बातों पे बिलीव कैसे दिलाए। वहीं दूसरी तरफ जब शैम की आंखें खुलती है तो उसे पता चलता है कि इस कमरे के अंदर नामी बैठी थी और उसने सारी की सारी बातें सुन ली है। इसी वक्त यहाँ पे क्लाहडोर और बूची भी आ गए थे, जो कि बताते हैं कि अब 12 बज चुकी है, इस वक्त से हम हमारे असली रूप के अंदर आ सकते हैं, यानी कि अब इन्हें और नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 बजते ही सारी की सारी प्रॉपर्टी तो क्लाहडोर के नाम हो ही चुकी थी। अब इसी के साथ में बाकी घर में जितने भी मेंबर्स बचे थे इन लोगों को मारना था, इसी के कारण घर को पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है, सारे के सारे सिक्योरिटी लॉक लगा दिए जाते हैं। काया को समझ नहीं आता कि आखिर ये आवाज किस चीज की है। उस वक्त फिर से समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ क्लाहडोर ही कर रहा है। इतनी ही देर में क्लाहडोर काया को मारने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ नामी भी पहुंच जाती है, जो आती ही काया को समझाती है कि ये जो भी कह रहा है उसोप वो सब कुछ सही है। उन्होंने लूफी को भी जहर पिला दिया है, जो कि तुम्हारे लिए बनाया गया था। उन्होंने तुम्हारे लिए जहर का सूप बनाया था और इतने सालों से तुम्हें गलत दवाई दी जा रही है। तुम खुद सोचो कि आखिर तुम 3 साल से बीमार हो ना, जब से तुम्हारी जिंदगी के अंदर क्लाहडोर आया है। हमें अभी के अभी यहाँ से भागना होगा, भागने का रास्ता बताओ। तब यहाँ पे काया बताती है कि हाँ, इमरजेंसी लॉक्स के अलावा इस घर के अंदर एक और ऐसी गली है जो कि हमें सीधा घर से बाहर निकाल सकती है। चोरी छुपे ये सारे के सारे उसी गली के अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक तरफ इमरजेंसी दरवाजे बंद हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ क्लाहडोर काया को ढूंढते हुए उसके कमरे तक पहुंच गया, लेकिन कमरे के अंदर कोई भी नहीं था, क्योंकि ये सारे के सारे तो सीक्रेट रास्ते से निकलते हुए घर के किसी दूसरे किनारे तक पहुंच गए थे। लेकिन इनकी आवाज़ें क्लाहडोर को सुनाई दे जाती है और वो अपने हाथों की ब्लेड को सीधा दीवार के आर पार कर देता है। ऑलमोस्ट काया और नामी इंजर्ड होने ही वाले थे, लेकिन उन दोनों की जान बच जाती है और अब तो काया को भी समझ में आ जाता है कि क्लाहडोर उसकी जान लेने वाला है। यहाँ दूसरी तरफ जोरो ऊपर चढ़ने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था। इसी समय वापस से जोरो का पास्ट दिखाया जाता है, जब जोरो अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उससे मिलने के लिए क्वीना आती है और कहती है कि हम साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसके बाद जोरो वापस से क्वीना से फाइट करने की कोशिश करता है और कहता है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, बल्कि अगर अभी मेरे पास में तलवार हो तो मैच बराबरी का होगा और फिर मैं तुम्हें मारने से डरूंगा भी नहीं। लेकिन इस बार भी जोरो हारता ही जा रहा था और क्वीना कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली जीतती जा रही थी। वो जोरो को समझाने की कोशिश भी करती है कि जब वो तलवारबाजी करता है तो उसके बाजुएं मुड़ जाया करती है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जोरो उस एडवाइस को लेने की बजाय इवन क्वीना को ही अपना कंपेटिटर मान के कंटिन्यूसली उसे फाइट करता जा रहा था। क्वीना कहती है कि देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, बल्कि तुम तो एक बहुत अच्छे तलवारबाज हो, आगे जाके तुम सबसे बड़े योद्धा बनोगे, महान योद्धा बनोगे। तब जोरो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो, तुम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो, महान योद्धा तुम भी बन सकती हो। तब क्वीना कहती है कि मैं एक लड़की हूँ, आगे जाने के बाद मुझे पता है कि मैं उतनी ताकतवर नहीं बन पाऊंगी जितने की कोई लड़का बन सकता है। तुम एक लड़के हो, आगे जाने के बाद तुम्हारी हाइट, तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारे हाथ सब कुछ स्ट्रांग हो जाएंगे और तुम बहुत अच्छे योद्धा बनोगे। तब जाके जोरो को लगने लगता है कि क्वीना एक लड़की है, लेकिन उसके मन में ये डर है कि वो आगे जाके अच्छी योद्धा नहीं बन पाएगी। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि आज के बाद ये हमेशा एक दूसरे से तलवारबाजी करते रहेंगे, उस दिन तक जिस दिन तक इनमें से कोई महान योद्धा नहीं बन जाता। जोरो की वो सबसे खास दोस्त थी। जिसके बाद हम कोबी को यहाँ पे देखते हैं, जो कि अपने साथ में लूफी को लेकर आ रहा था। हेलम कंटिन्यूसली लूफी के बारे में भड़का रहा था, लेकिन तभी कोबी वहाँ पे रुक जाता है और हेलम को बोलता है कि लूफी जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, मैं इस लड़के को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये कैसा पायरेट है। वो एक लुटेरा है, लेकिन वो दूसरों से बहुत अलग है, वो बाकियों के जैसा हो ही नहीं सकता। यहाँ दूसरी तरफ नामी, उसोप और काया उस सीक्रेट कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां से एक व्हील को घुमाने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ के इमरजेंसी लॉक्स ओपन हो जाए और उसी के साथ में सामने का दरवाजा भी खुल जाए। इसी के साथ में नामी आगे बढ़ती है और वहां पे एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी, जो कि काया के पेरेंट्स की थी। काया यहाँ पे अपने पेरेंट्स को देखने लगती है और मन ही मन रोने लगती है कि आज उसके साथ इतना गड़बड़ कैसे हो गई, उसने आके क्लाहडोर पे बिलीव कैसे कर लिया, उसे ये सब बातें पहले ही समझ में आ जानी चाहिए थी। जिसके बाद ये तीनों ही उस व्हील को घुमाने लगते हैं, लेकिन वो व्हील घूमने का नाम ही नहीं लेता। इतने ही देर में क्लाहडोर इन तीनों को ढूंढने के लिए उसी रास्ते की तरफ निकल गया था। यहाँ जोरो बार बार जब ऊपर चढ़ रहा था तो नीचे भी गिरता जा रहा था, क्योंकि वो कुआं काफी ज्यादा गहरा था और ऊपर चढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं था। वापस से जोरो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके मास्टर उसके सामने खड़े थे। इसी के साथ उसके मास्टर उसे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आए थे कि आज के बाद उसकी दोस्त उससे मिलने के लिए कभी नहीं आएगी। जब जोरो पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तब उसके मास्टर बताते हैं कि क्वीना की डेथ हो गई है और अब वो हम सब लोगों के बीच में नहीं रही, यानी कि जोरो की जो एकमात्र दोस्त थी, जो कि उसकी हमेशा सुख दुख की साथी थी और उसने ही उसे तलवार के साथ में योद्धा बनने के बारे में मोटिवेट किया था, वही दोस्त उसकी अब जिंदा नहीं रही। बचपन के अंदर जोरो और उसके साथ में बाकी सारे क्लासमेट्स क्वीना का फ्यूनरल करने के लिए आते हैं। सारे योद्धाओं ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी और उसे आखिरी गुड बाय करते हैं। जोरो आगे आता है और क्वीना के सामने जो तलवार रखी हुई थी उस तलवार को उठा लेता है और अपने मास्टर से कहता है कि ये तलवार मैं खुद रखना चाहता हूँ। जब उसके मास्टर पूछते हैं कि आखिर ये तलवार तुम क्यों रखना चाहते,
करते हो। तब वो बताता है कि कुइना ने मुझसे वादा किया था कि हम दोनों में से कोई एक महान योद्धा बन के ही रहेगा, इसी के कारण कुइना की आज से तलवार मेरे पास रहेगी ताकि हम दोनों में से कोई एक महान योद्धा जरूर बने और मैं उसे प्रूफ करके दिखा दूं कि मैंने कभी भी अपना सपना नहीं खोया है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं जोरो उन पुरानी यादों को याद करता हुआ इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाता है कि आखिरकार वो इतने गहरे कुएं से भी बाहर निकल जाता है और आते ही सबसे पहले अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लूफी को देखते हैं जिसे वापस से होश आ गया था। असल के अंदर उसे इतना ज्यादा वेनम दिया गया था उस सूप के अंदर कि वो मर सकता था, लेकिन फिर भी लूफी मरा ही नहीं बल्कि उसने इतनी सारी वॉमिट करी जिससे कि वो सारा का सारा सूप बाहर आ गया। और उसके बाद में वो कोबी से बात करने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मुझ पे विश्वास करते हो लेकिन अभी के अभी मुझे वापस जाना होगा। कोबी उसे रोकने की कोशिश करता है कि देखो मैं यानी कि हम नेवी वालों ने तुम्हें अरेस्ट कर लिया है और तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इतनी ही देर में यहाँ पीछे से जोरो पहुंच जाता है जो कि बताता है कि अभी के लिए हमें यहाँ से जाना होगा। कोबी कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है कि तुम नहीं जा सकते, लेकिन तब लूफी और जोरो वापस लौट के आते हैं और जोरो समझाने लगता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ और तुम भी मुझे अच्छी तरीके से जानते हो, मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता हूँ। काया जो कि एक लड़की है और वहाँ पे ब्लैक कैट पायरेट्स के कैप्टन ने अटैक कर दिया है, कुरो कभी भी उन लोगों को मार सकता है, मुझे मेरे दोस्तों को बचाने के लिए जाना है जैसे मैंने तुम्हें बचाया है, वहाँ पे अभी भी मेरे दोस्त कुरो के अंडर है, कुरो कभी भी उन लोगों को जान से मार सकता है। वो भी बेचारा ये सारी बातें सुनता ही रह जाता है। और इतनी ही देर में जोरो और लूफी दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अभी तक भी काया उसोप और नामी मिलके उस व्हील को नहीं घुमा पाए और इतनी ही देर में कुरो यहाँ पे पहुंच जाता है जो कि सबको ढूंढने लगता है। ये तीनों ही इधर उधर जाके छुप जाते हैं जिसके बाद में कुरो कंटिन्यूअसली बोलना शुरू करता है कि आज के बाद काया मेरी जिंदगी से निकल जाएगी, मैंने इतने सालों तक उसका ध्यान रखा, ऐसी पागल लड़की जो कि इतनी बड़ी होने के बावजूद भी उसे ये नहीं पता कि आखिर करना क्या है, हर वक्त कुरो 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 करती रहती है, आखिर मैं उसका कितना काम करूंगा, उसको खाना भी खाना नहीं आता। ये सारी बातें काया सुन के बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसे लगता था कि कुरो एक ऐसा इंसान है जो कि उसके सारे सेंटिमेंटल समझता है, उसके माँ बाप के जाने के बाद उसे नहीं ध्यान रखा है, लेकिन असली बात तो ये थी कि काया के पेरेंट्स को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद कुरो ही था। इतनी देर में यहाँ जोरो और लूफी भी पहुंच जाते हैं जहाँ घर के अंदर इमरजेंसी लॉक लगे हुए थे, लेकिन फिर भी ये एक दरवाजे को ऊंचा करते हैं और मेन दरवाजे से अंदर आ जाते हैं जहाँ पे लूफी और जोरो दोनों अलग अलग रास्तों पे जाते हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता कि आगे इनका सामना किन से होने वाला है। जोरो से फाइट करने के लिए यहाँ पहले से ही शैम और बूची थे। इसी के साथ में लूफी नामी और बाकी सबको ढूंढने के लिए जाता है। काया इतनी सारी बातें सुन सुन के परेशान हो गई थी, इसी के कारण अब वो कुरो को मारना चाहती थी। वो बिना रुके ही यहाँ से बाहर निकल जाती है और नामी को भी इशारा करती है। एक तरफ उसोप कुरो के ऊपर निशाना लगाता है, वहीं दूसरी तरफ कुरो सीधा उसे निशाने को पकड़ लेता है और इसी के साथ में काया को भी बहुत बुरी तरीके से धक्का दे देता है। वो अपने हाथों के अंदर से ब्लेड निकालता है और ऑलमोस्ट काया को मारने ही वाला था कि इतनी ही देर में यहाँ पे लूफी पहुंच जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोरो बूची और शैम के साथ कंटिन्यूसली तलवारबाजी करने लगता है। शैम और बूची जो कि दोनों के दोनों ही पायरेट्स थे, उनके पास में काफी अच्छे खासे वेपन थे, लेकिन जोरो कहाँ किसी से कम रहने वाला था, जोरो अकेला इन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ लूफी आके अब कुरो से फाइट करने लगता है। अब कुरो के पास में गाइज एक काफी अच्छी पावर है, हालांकि उसने कोई डेविल फ्रूट नहीं खाया है लेकिन फिर भी इन पावर्स को उसने खुद ने जगाया है। वो बार बार में एक ही जगह से गायब होकर दूसरी जगह पे पहुंच सकता है, टेलीपोर्ट नहीं कह सकते हम, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह काफी फुर्ती से जा सकता है। लूफी उसे फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन वो बार बार में उसके सामने से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोरो बूची और शैम से कंटिन्यूसली तलवारबाजी करता ही जा रहा था, जिसके बाद सीन लूफी के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पे लूफी एकदम शांत हो जाता है। उसके बाद में वो आवाज सुनने की कोशिश करता है कि आखिर कुरो छुपा हुआ कहाँ पर है, अगर एक बार उसे समझ में आ जाए कि कुरो कहाँ पर खड़ा है तो वो आराम से उससे फाइट कर सकता है। देखते ही देखते अब लूफी को समझ में आ गया था कि कुरो को हराने की टेक्निक क्या है। वो एकदम धीरे से उसकी आवाज सुनता है और उसके बाद में जोर से पंच करता है और सीधा जाके कुरो नीचे गिरता है। वहीं दूसरी तरफ जोरो भी शैम और बूची से इतनी शानदार फाइट कर रहा था कि ऑलमोस्ट वो इन्हें हरा ही चुका था। दूसरी तरफ लूफी भी कुरो को बहुत बुरी तरीके से मारता है, उसकी ब्लेड्स को तोड़ देता है और आखिर के अंदर उसका किस्सा खत्म कर देता है। अब तक यहाँ पे नामी उसोप और काया बहुत ज्यादा खुश थे कि उसे उसके दोस्त बचाने के लिए वापस लौट आए हैं। सुबह हो चुकी थी जब जोरो ने शैम और बूची को पकड़ लिया था और इसी के साथ में काया इस पूरी टोली को थैंक यू करती है क्योंकि लूफी और उसके दोस्तों ने आज काया की जान बचाई है। जाने से पहले वो लूफी को वही बड़ा सा जहाज गिफ्ट भी कर देती है क्योंकि काया अब 18 साल की हो चुकी है और अब इस पूरी पोर्ट की और इतने सारे जहाजों की मालकिन वो खुद है। इसी के कारण वो लूफी को इस जहाज को रखने के लिए कहती है। यहाँ पे जाने से पहले लूफी उसोप को कहता है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते। तब उसोप कहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मुझे काया के साथ रहना है, उसका ध्यान रखना है क्योंकि काया की तबीयत ठीक नहीं है। तब काया कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, मैं यहाँ पे ठीक रहूंगी, इवन मुझे पढ़ाई करनी है, मैं एक डॉक्टर बनूंगी और अब मुझे अकेला रहना भी सीखना होगा। जिसके बाद में उसोप लूफी की टोली को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन जाने से पहले वो काया से मिलता है, उसे हग करता है और इन दोनों के बीच में वो अपनी फीलिंग भी शेयर करता है कि वो काया से कितना ज्यादा प्यार करता है। इसी के साथ में अब लूफी अपने मन पसंदीदा जहाज को लेकर यहाँ से निकल जाता है जो कि उसका बहुत बड़ा सपना था कि उसके साथ उसकी टोली हो और एक बहुत बड़ा जहाज हो। यहाँ हमें एक सीन के अंदर पता चलता है कि कुरो अभी भी मरा नहीं था बल्कि अकेला ही एक बोट लेके इतने बड़े ओशन के अंदर घूम रहा था। वहीं दूसरी तरफ
कोबी जो कि अपने मिशन के अंदर फेल हो गया था, यानी कि उसके पास लूफी था, लेकिन फिर भी वो उसे गार्प के पास नहीं लेके आ पाया। इसी के कारण वो डरा हुआ था और गार्प से आके माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लूफी बस मेरे हाथ से निकल गया, वो मेरे हाथ में ही था। लेकिन तब गार्प कहता है कि कोई बात नहीं, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुमने अपना काम अच्छी तरीके से करा है, अगर वो तुम्हारे हाथ में नहीं है तो इवन तुम उसे बाहर लाने के लिए सक्सेसफुल हुए। कोबी देखता है कि लूफी की शिप बाहर आ चुकी है और कहीं ना कहीं गार्प उसे आगे जाके पकड़ ही लेगा। वहीं दूसरी तरफ उसोप और लूफी आपस के अंदर फाइट करने लगते हैं कि आखिर इन दोनों में से किसका पाल ऊपर की तरफ लगेगा। ये दोनों ही कहते हैं कि हम हैं इस जहाज के कैप्टन, और इन दोनों की फाइट के बीच में इन्हें पता चलता है कि हम लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए वापस से कोई ना कोई आ गया है। नामी जब दूर से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो नेवी का शिप है, तो आखिर नेवी का शिप यहाँ तक कैसे पहुँचा। लूफी को अच्छी तरीके से पता था कि उसका पीछा करते करते और कोई नहीं बल्कि कोबी यहाँ तक आया होगा। जब लूफी दूर से देखता है कि आखिर उस नेवी के शिप पे सवार कौन है, तो वो कहता है दादाजी। तभी यहाँ पे सबके होश उड़ जाते हैं कि आखिर लूफी वाइस एडमिरल को यानी कि गार्प को अपना दादाजी क्यों कह रहा है। और इसी बहुत बड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड गाइस यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।